शेख, मेरा सवाल सदकुतुल फितर के मुतालिक है कि अब जैसे लॉकडाउन है तो ये जैसे हम गांव वगैरह इस पैसे को भेज सकते हैं क्या पहले से, कि उसको 3 दिन पहले ही भेजना है या 4 दिन पहले भेजना है, जरा इसके ऊपर रोशनी सदकतुल डालेंगे। फितर जो है ये जी आपका जो सवाल है सदके फितर के ताल्लुक से कि क्या गांव वगैरह हम पहले भेज सकते हैं या रमजान के आखिर में ही भेजना है। तो चूंकि सदके फितर ये रोजों के अंदर जो गलतियां और कमियां हुई हैं उसके कफारे के तौर पर है, रोजे में कोताही या कमी जो हो जाती है उसके कफारे के तौर पर है, तो जब तक कमी ना हो तो आप उसको उसका कफारा कैसे देंगे। तो इसलिए रमजान के आखिर में ही हमें भेजना है। जैसे कि अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वैसे असल तो सुन्नत ये है कि सूरज ईद का चांद दिखने के बाद सदका फितर निकाला जाए, ये असल सुन्नत है। लेकिन हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और बाद सहाबा इकराम 2 या 3 दिन पहले भी सदका फितर निकाल दिया करते थे। तो हम सहाबा की भी सुन्नत है और उस पर भी अमल किया जा सकता है, तो इंशाल्लाह कोई 2 या 3 दिन पहले भी अदा कर सकता है। लेकिन ये कि बिल्कुल रमजान से पहले या 15 रमजान के बाद या 20 रमजान के बाद कोई भेजना चाहे तो ये चीज दुरुस्त नहीं है, क्योंकि एक वक्त उसका मुतय्यन किया गया है, वक्त से पहले कोई चीज नहीं हो सकती है। जी इसी के मुताबिक मेरा ये सवाल है कि ये अपने रिश्तेदार को दिया जा सकता है जो अब बहुत गरीब है। तो क्या सदका फितर रिश्तेदारों को दिया जा सकता है? बिल्कुल दिया जा सकता है और वो ज्यादा हकदार हैं, वो ज्यादा हकदार है और उस पर इंशाअल्लाह ज्यादा अजर और सवाब है। सदका फितर या एक ही जकात अगर रिश्तेदारों को दी जाती है, सदका फितर हो या जकात हो, अगर रिश्तेदारों को दी जाती है तो उस पर 2 अजर, एक तो आप सदका फितर अदा कर रहे हैं और दूसरा एक रिश्तेदारी का हक अदा कर रहे हैं, तो इंशाअल्लाह दिया जा सकता है, उसमें कोई हर्ज की बात नहीं है, क्योंकि इस पर हमें मना की भी कोई दलील नहीं मिलती है। बल्कि एक हदीस मेरे जहन में आ रही है जो सहरी के ताल्लुक से थी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम में का कोई अजान सुने और उसके हाथ में प्याला हो तो अपने प्याले को ना रखे यहाँ तक कि अपनी जरूरत को पूरा कर ले। मतलब है कि वो पानी पीने के लिए बस गिलास उठाया ही था कि अजान हो गई, तब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तक उससे पानी ना पी ले, अपनी जरूरत पूरी ना कर ले, गरचे अजान हो गई है लेकिन उसने उठा लिया, पीना शुरू कर इरादा कर रहा है या पी लिया, पीना शुरू कर दिया, तो जब तक अपनी जरूरत पूरी ना कर ले वो उसे ना रखे। ये रवायत सुनन अबू दाऊद में मौजूद है।